2 दिन मैंने कबूतरों को खुद उड़ाया बेसिकली। और मैं आप लोगों से कहता रहा था कि टाइम आने दे, फिर मैं छत पे जाऊंगा। और बहुत सारे व्यूअर्स जो थे ये कहते थे कि नहीं जी, आपकी छत नहीं है या आपके कबूतर नहीं हेलो है। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स। तो गाइस, मैं अभी इस टाइम पे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर, मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ। और आज पहले सबसे पहले बात करते हैं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज मैंने बारिश के मौसम में कबूतर उड़ाए और कबूतरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज। और आज तकरीबन जितनी भी जो सेटिंग्स करनी थी वो आज हो गई हैं फाइनली। और तकरीबन जितने भी जो नए पट्ठे पट्टियाँ थे, एक बॉर्डर होता है मतलब समझ के हिसाब से कि वो कबूतर उस टाइम तक उड़ना चाहिए। तो खैर, जो मैं सोचता हूँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही उनको मैंने उड़ा लिया। अब सारे पट्ठे पट्ठी यंग पट्ठे पट्ठियाँ बेसिकली, और उसमें से मैंने एक मादी ऐसी भी निकाली है जो पुरानी रिजेक्टेड मादी मादी थी। और वो मादी जो है आज करीबन बैठी है 12:05 पे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले तो बारिश थी सुबह, बारिश और तेज़ हवा, तेज़ हवा में मैंने उसको दिया उड़ा और बारिश आ गई 2-4 मिनट के बाद। तो ऐसी बन गई है वो मादी ऊपर मतलब आसमान में। साथ में उसके मेरी एक और पट्टी थी जो मैं यहाँ पे लेके आया था, ये दोनों ने साथ बांधा हुआ था ऊपर। और उसके बाद एक और पट्टी थी वो परमोज, वो भी यहाँ पे मैं लेके आया था। तो वो भी तीनों बेसिकली चली गई ऊपर, अच्छा उड़ के आई। और बाकी एक मेरी मादी जो थी ज़ाया हुई थी, ज़ाया इन द सेंस परसों रात रह गई थी। और वो मादी जो है भी वो भी वापस आ गई। तो नहीं, कल रात रही थी, आज वापस आ गई। कल मैंने सुबह उड़ाए थे कबूतर और आज वो शाम को दोपहर को बेसिकली जब मैं कबूतर बिठा रहा था अपने, तो उस टाइम पे वो आ गई। तो वीडियोस बनी पड़ी हैं, वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दी हैं। एक वीडियो बकाया है वो भी अपलोड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, वो वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा चैनल पर जाके। तो काफ़ी मतलब मज़ा आया। 2 दिन मैंने कबूतरों को खुद उड़ाया बेसिकली। और मैं आप लोगों से कहता रहा था कि टाइम आने दे, फिर मैं छत पे जाऊंगा। और बहुत सारे व्यूअर्स जो थे ये कहते थे कि नहीं जी, आपकी छत नहीं है या आपके कबूतर नहीं है या जो भी है। लेकिन खैर, जब टाइम आता है चीज़ें तभी होती हैं। और कुछ चीज़ों के लिए हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए, मतलब वक्त पे छोड़ देनी चाहिए कुछ चीज़ें। तो बाकी एक दो पट्ठा जो है मेरा वो ख़राब भी हो जाता है बेसिकली। जैसे आपको पता है कबूतर नए हों, नहीं उनकी ट्रेनिंग चल रही हो, फिर उनकी संभाल का भी इशू आ जाता है। जब सारे परिंदे आपके नए हैं तो फिर बीच में कोई ना कोई ऐसा रह जाता है जिसकी प्रॉपर संभाल नहीं हो पाती। तो एक पट्टा मेरा वो बेसिकली ना काफ़ी अच्छा उड़ा था, लेकिन स्टिल उसका जो है संभाल उसकी अच्छे से नहीं हो पाई। और जो मेरी एक चपड़ी मादी थी पहले जो अच्छी उड़ रही थी स्टार्टिंग में, वो मादी भी जो है अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। तो अब मैं 2-3 दिन जो है बिल्कुल उनकी रिकवरी पे जो है टाइम ज़ाया करूँगा। और अब मुझे लगता है कि कबूतर 2-3 दिन नहीं उड़ाने चाहिए। मौसम का जो है अभी हेर फेर है, कल देखते हैं, अगर मौसम साफ़ हुआ तो हल्के फुल्के हिलाएंगे खुली तय में ही, बंद करके नहीं, ताकि कबूतर जो है वो सामने सामने ही उड़े। तो खैर, कबूतर जो हैं जितने भी नए नए पट्ठे पट्ठियाँ थे वो सारे ही मतलब हो गए हैं, तैयार हो गए हैं एक तरह से कहूँ तो। अब इनको अच्छे से उड़ाना है। तो उड़ाना अभी खैर, अभी हम उस तरह से उड़ा नहीं रहे हैं जिस तरह से इनसे बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। वही 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे, 4-4 घंटे जो है वो करवा लिए हैं तकरीबन सबसे। और अभी सिंपल जो है कनक पे ही ये कबूतर उड़े हैं। अभी इनके ऊपर कोई ना बाजरा साजरा जो करते हैं लोग वैसा कुछ नहीं किया। और नॉर्मल जो भी हम बाकी कबूतरों को डाल रहे हैं, बड़े ब्रीडर कबूतरों को, वही डाला है। तो मैंने सोचा लें जी आपसे अपडेट शेयर कर देता हूँ मैं। और रात को इस टाइम पे मैं अभी खाना खा के तो अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ। आज 2 बजे मैं छत से उतरा था, 2 बजे मतलब मेरे कबूतर जो थे उनको पानी शानी डाल के पैकअप कर दिया था उनका मैंने, और फिर शाम को खोले थे। आज पूरा दिन ही वेस्ट हो गया, 2 दिन मेरे वेस्ट गए हैं बेसिकली। कल संडे है, कल देखते हैं अब क्या होता है। तो मौसम साफ़ हुआ तो कबूतर उड़ाएंगे, अदरवाइज़ नहीं उड़ाएंगे। तो अब कुछ दिन मैं तो सोच रहा हूँ कबूतरों को जो है अभी नीचे इनकी केयर करते हैं पहले,
क्योंकि नए पट्ठे पट्ठी हैं तो फिर इनका जो है एनर्जी जो लेवल है वो मेंटेन करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें हैं और भी करनी पड़ती हैं, कबूतर को जो है संभालना पड़ता है। तो कई कबूतर होते हैं आते ही संभल जाते हैं, कई कबूतर जो होते हैं नहीं संभलते, तो उनका हमें सही से जो है सेकंड डे या नेक्स्ट डे पता चलता है जब हम उनको उड़ाते हैं, लेकिन नहीं उड़ते वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं चार पट्ठे पट्ठियाँ जो है भाई साहब ने यहाँ पे छोड़ दिए हुए हैं, तो मैं चला गया था शाम को, वो छोड़ गए हुए हैं। तो चार कबूतर जो हैं वो यहाँ पे जो आए हैं, मतलब उनका जो है संभाल करेंगे, उनको जो है रिकवर कराने की कोशिश करूँगा मैं, और हर एक चीज़ जो है आपसे शेयर करूँगा कि मैं कैसे कैसे करने लगा हूँ उनके साथ। तो चलें, ये मैं वीडियो अब करता हूँ वाइंड अप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आएगी पसंद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।